और इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि कहा है कोरोना महामारी और बाढ़ के बीच बिहार में चुनाव की तैयारी नहीं करें। आपको बता दें कि जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ है बिहार में लगातार बाढ़ और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि कोरोना महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव कराना सही नहीं होगा। आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन से ये कहते आया और सरकार से भी ये कहा कि चुनाव आयोग से भी ये बातें कहते आए हैं कि चुनाव अभी कराना सही नहीं होगा, लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहती है सरकार और लगातार नीतीश सरकार पर हमलावार भी रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उन्हीं के सुर में रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी चुनाव आयोग से ये बातें कही है कि चुनाव अभी कराना सही नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजे सुझावों में मौजूदा परिस्थिति में चुनाव टालने का अनुरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, इसे होना ही चाहिए, मगर बिहार अभी बाढ़ और कोरोना की दो तरफा मार झेल रहा है। ऐसे हालत में जनता की जान जोखिम में डालकर चुनाव कराना उचित नहीं होगा। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राज्य में करीब 10 लाख जांच हुई है, संक्रमितों का आंकड़ा 80,000 पार कर चुका है, अक्टूबर नवंबर तक संक्रमितों की संख्या तकरीबन 10 लाख हो गई। डॉक्टर झा ने लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक भी उस वक्त कोरोना संक्रमण चरम पर होगा। उन्होंने लिखा कि पहले से ही बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त है, चुनाव घोषित होते ही पूरी सरकारी मशीनरी उसमें जुट जाएंगी, ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और भी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में संक्रमण से मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, पुलिस मुख्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों तक कोई नहीं बचा। इस हालात में आयोग सभी दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर मुहैया कराते हुए हर मतदाता के संक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। उन्होंने अंत में कहा है कि कांग्रेस चुनाव की विरोधी नहीं है, लेकिन जनता की सुरक्षा को देखते हुए इसे कुछ समय के लिए टाला जाना चाहिए। चुनाव आयोग का फरमान हुआ है कि तय समय पर ही बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि 11 अगस्त तक सभी राजनीतिक पार्टियों को मशविरा करके ये रिपोर्ट भेजना था चुनाव आयोग के तक, और 11 अगस्त का आज का दिन हो गया और अपने अपने स्तर से सभी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय सीमा पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहा है, महामारी से लेकर सारे प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव समय पर ही कराने का फैसला लिया गया है। तो इधर रामविलास पासवान भी चुनाव के नहीं कराने के पक्ष में उतर गए हैं। बिहार में कोरोना के संकट और बाढ़ की आपत के बीच बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल पूरी तरह खिलाफत कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के तय सीमा पर चुनाव कराने की घोषणा के बीच अब लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी कोरोना संकट में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतर गए। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी विधानसभा चुनाव को टाल देना ही उचित होगा।